मशरूम की खेती से किसानों को किस प्रकार लाभ मिल सकता है? देखिए, जो ज़मीनें हैं वो तो बिल्कुल फिक्स हैं बेरोजगार लोगों के लिए, जिनके पास भूमि नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी जगह उनके पास है, वो लोग मशरूम की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके ट्रेनिंग में हम लोग देते हैं, और जो विभाग की स्कीम है, हमारे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्कीम के अंतर्गत लगभग 40% का अनुदान हम लोग मशरूम की बीज इकाई या स्पांज जिसको बोलते हैं उसकी उत्पादन इकाई में, या मशरूम की खेती करते हैं उस पर प्रसंस्करण पर, इन चीज़ों पर हम लोग लगभग 40% का अनुदान विभाग देता है इस उद्योग को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके बावजूद भी हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से हम लोग समय समय पर उनका निरीक्षण करते हैं, और कोई कमियां होती हैं तो उनको दूर करवाते हैं। ये मशरूम के खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जहाँ तक आमदनी की बात रह गई, तो अगर एक आदमी 200 स्क्वायर मीटर एरिया में भी अगर मशरूम की खेती कर लेता है, तो एक सीजन में उसको लगभग 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये तक का नेट प्रॉफिट हो जाता है। ये मशरूम की खेती के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जो काफ़ी फायदेमंद हो? हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छा रहता है बटन मशरूम का उत्पादन, अगर किसान करते हैं तो वो बटन मशरूम हम लोगों के यहाँ ज़्यादा डिमांड भी रहती है, लोग उसको प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, एस्टर मशरूम दूसरे नंबर पे आता है, जिसका उत्पादन अच्छे से हो जाता है और उसको भी लोग डिमांड में रखते हैं। इसको तैयार करने की क्या विधि होती है? देखिए, ये एक तरह से फफूंदी होती है, और हमको फफूंदी को विकसित करने के लिए एक स्ट्रक्चर को तैयार करना होता है, जहाँ पर अंधेरा हो, नमी बनी हुई हो, दूसरे फंगस या वायरस या किसी तरह की बीमारी या कीटों का प्रभाव वहाँ पर ना हो, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, परमानेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अगर आप किसी कमरे में भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप अच्छी सुविधाएं इस तरह की नहीं उपलब्ध हैं, तो आप बांस का एक सेट बना सकते हैं, उसको पॉलीथीन से चारों तरफ से ढक सकते हैं, काली पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं जिससे कि रोशनी बाहर से अंदर ना जाए, अंधेरा रहे, और फिर उसमें भूसा और तमाम सारी खाद वगैरह मिला करके हम उसको सारी डिटेल उसमें पॉलीथीन बैग में भरते हैं, और फिर स्पान उसमें डाल देते हैं। स्पान मशरूम का बीज होता है, फिर वो धीरे से ग्रो करता है। जब ग्रो करता है तो उसको डे बाय डे, पर डे हो सकता है, एक दिन के अंतर पर हो सकता है, उनकी तुड़ाई करते हैं, पैकिंग 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम 1-1 किलो की करके, और फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है। जैसे दूसरी सब्जियों को बाजार में भेजते हैं, उसी तरह मशरूम को भी बाजार में भेजते हैं। अपना परिचय दीजिए। विजय किशोर सिंह, प्रभारी औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुसरूबाग, प्रयागराज।